हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका तानी डिज़ाइंस में। सो आज हम बनाएंगे खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन और कंजा लेस और फैब्रिक पट्टी के साथ। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। चलें बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने इस तरीके से एक फैब्रिक पट्टी ले लेनी है जो कि हमारी होगी 2 इंच की, ठीक हो गया फ्रेंड्स। देन इसको हमने दोनों साइडों से इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेना है, ये देख ले फ्रेंड्स। और इस फोल्डिंग का जो सा दबाव होगा वो कम से कम आपने 1/2 इंच का लेना है। इस तरीके से सबसे पहले हमने एक साइड से फोल्ड किया, देन उसके बाद हम इसे दूसरी साइड से भी 1/2 इंच का दबाव लेते हुए ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। दोनों साइडों पे फोल्ड करने के बाद एंड में हम इसके सेंटर में से भी इस तरीके से फोल्ड करके एक पट्टी बना लेंगे, ये देख ले फ्रेंड्स इस तरीके से। इस पट्टी पे अच्छे तरीके से प्रेस लगाने के बाद इस पट्टी के बीच में हम रखेंगे ऑर्गेन्जा लेस को, ये देख लें हमारी कढ़ाई वाली लेस है ऑर्गेन्जा की, और जहाँ से हमारी ये कढ़ाई शुरू हुई है वहाँ तक हम इसका ऐसे दबाव इसके अंदर रखेंगे। ऊपर से इसके ऊपर ऐसे रखते हुए इसके ऊपर किनारी की सिलाई लगा लेंगे, ये देख लें फ्रेंड्स। इस तरीके से आपने इस पट्टी के बीच में ऐसे ऑर्गेन्जा लेस को रखते जाना है और उसके ऊपर ऐसे किनारी की सिलाई से इसके साथ अटैच कर लेना है। और फ्रेंड्स ये जो सी हमने पट्टी बनाई थी इस तरह की आपने ऐसे 4 बना लेनी है, ठीक हो गया। और इनकी जो सी लेंथ होगी वो आपने अपने पांचे के हिसाब से रखनी है, मीन्स के जो सी ट्राउज़र की मूरी होगी, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने ऐसे 4 बना के रख लेनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक साइड पे इस तरीके से लगाई, देन उसके बाद हम ये दूसरी पट्टी लेंगे और उसको अलहदा से इस तरीके से ऑर्गेन्जा लेस के बीच में रखते हुए इसके ऊपर भी किनारी की सिलाई लगा लेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये हमारे एक ही पांचे की 2 पट्टियाँ बन जाएंगी, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें ये जो सी हमारी दूसरी पट्टी है वो इस तरीके से इसके साथ आपने ऐसे अटैच कर लेनी है। देन उसके बाद जो सी इसकी दूसरी साइड होगी, दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरीके से, मैंने आपको बताया ना कि आपने ऐसे 4 पट्टियाँ बना लेनी है। इस तरीके से जो सी दूसरी साइड होगी उस साइड पर भी आपने इस तरीके से ऐसे पट्टी बना के सेम लेंथ होगी और सेम ही उसकी चुड़ाई होगी, ठीक हो गया। ऐसे ही सेम मेथड से आपने ऐसे 4 पट्टियाँ बना के एक ही साइड पे आपने ऐसे उसके साथ अटैच कर लेनी है, और जो सी दूसरी होगी वो दूसरी साइड पे अटैच कर लेनी है, ठीक है। देन उसके बाद हम इस तरीके से 2.5x2 इंच का एक पीस लेंगे और उसको सबसे पहले इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके ट्राइंगल शेप में इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इसका हम सेकंड टाइम भी ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमने 3rd टाइम भी इस तरीके से ही ऐसे फोल्ड करके और इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है, ठीक हो गया। देन उसके बाद हम अपना ट्राउज़र लेंगे और ये जो सा हमने पैटर्न बनाया था इसको हमने ऐसे आगे की तरफ रखते हुए इसके ऊपर किनारी की सिलाई से इसको इसके साथ ऐसे अटैच कर लेना है, ठीक हो गया। नीचे जो सा हमारा ट्राउज़र है वो हमने उसकी उल्टी साइड रखी है, ठीक हो गया। और उसके ऊपर जो सी हमारी फैब्रिक पट्टी है वो बिल्कुल सीधी है, ठीक है। देन उसके बाद हम जब हम इसे ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये हमारी सामने की तरफ आ जाएगी और नीचे से जो सी आपकी पांचे की मूरी है वो भी नीट एंड क्लीन आ जाएगी, ये देख लें फ्रेंड्स इस तरीके से। देन उसके बाद इसके ऊपर भी हम ऐसे किनारे की सिलाई लगा के इसके साथ ऐसे इसको अटैच कर लेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें इस तरीके से, ये फ्रेंड्स इस तरीके से किनारे की सिलाई लगाने के बाद हम अपनी दूसरी पट्टी लेंगे जो सी हमने दूसरी तैयार की थी, उसको हमने इसके साथ ऐसे बिल्कुल बराबर रखते हुए इस पट्टी को इसके साथ अटैच कर लेना है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें किनारे की सिलाई से, लेकिन इसके बीच में हम जो सी हमने वो छोटे छोटे पीसेस बनाए थे वो हम इसके बीच में रखेंगे ट्रायंगल के, ये देख लें फ्रेंड्स। इस तरीके से आपने कम से कम 1 सूत्र या 2 सूत्र का दबाव उसका उस पट्टी के अंदर रखना है और इसको बिल्कुल साथ जो है उसके रखते हुए इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। सेम उसी तरीके से मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें इस तरीके से आपने 1-2 सूत्र का गैप लेना है और एक किनारे की सिलाई से इसको इसके साथ अटैच कर लेना है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। और इन पीसेस के बीच में कम से कम हमारा 1/2 इंच का गैप होगा, ठीक हो गया। तो देख लें इस तरीके से आपने ऐसे पीसेस को रखते जाना है और किनारे की सिलाई से इसके साथ अटैच करते जाना है। सो फ्रेंड्स अगर ये डिज़ाइन बनाते वक्त अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें इस तरीके से आपने मुकम्मल पीसेस लगा लेने हैं। देन उसके बाद जो सी इसकी ऊपर वाली साइड होगी उस पर भी हम इस तरीके से ऐसे किनारे की सिलाई लगा के इसको फाइनल टच दे देंगे, ये देख लें फ्रेंड्स। इस तरीके से जो सा हमारा पैटर्न है ये इस तरीके से ऐसे बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। एंड में जो से हमारी ये पीसेस लगाए होंगे हम इसे ऐसे आगे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये हमारे ऐसे फ्लावर की शेप में आ जाएगा, ठीक है।
सेम इस तरीके से आपने ऐसे फोल्ड करना है और हैंड स्टिचिंग की मदद से हम इसे ऐसे पक्का कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिलाई से आपने ये जो सी फोल्डिंग की है इसको ऐसे आपने पक्का कर लेना है। ठीक हो गया, और देन उसके बाद ये जो से इसके किनारे होंगे उनके ऊपर हम पल लगा लेंगे। ये देख रहे फ्रेंड्स, इस तरीके से सबसे पहले हमने जो हमारे सिलाई है उसे पक्का किया। ठीक है, देन उसके बाद इसके ऊपर ऐसे पल स्टिच कर लिया है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके से ये आपके जितने भी पीसेस बने होंगे उनके ऊपर आपने ऐसे पल लगा लेने हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये मैं मुकम्मल पल लगा के तो आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स, ये हमारे ट्राउज़र की फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ।